हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, ना इस वीडियो को लाइक करने के लिए कहेंगे, और शेयर करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आने वाला है। ये वीडियो हमारा फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें हम आपको बताएंगे YouTube EduCon 2019 में हमने क्या क्या सीखा, और वहाँ पर जो भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई, जैसे कि हमें वहाँ से क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे, और वहाँ कौन कौन से सेशन हुए, हमने वहाँ पर क्या सीखा, कौन कौन से यूट्यूबर्स हमें वहाँ पर मिले, और साथ ही वहाँ पर हमारा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। EduCon India 2019 ये YouTube की तरफ से इंडिया में सेकेंड टाइम EduCon रन करवाया गया था, जो कि फर्स्ट पहले करवाया गया था 2018 में, उसके बाद अभी है जो सेकेंड टाइम हुआ है। इसका जो मेन पर्पज़ था वो था इंडियन यूट्यूबर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, और वो भी मेनली उन यूट्यूबर्स को जो कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, या कुछ भी लर्निंग से रिलेटेड अपलोड करते हैं अपने चैनल्स पर। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम था वो होटल ललित, दी ललित, यानी कि दिल्ली में है ये होटल, वहाँ पर करवाया गया था 31 अगस्त को। ऑल ओवर इंडिया से 150 एडिट्यूबर्स को बुलाया गया था। एडिट्यूबर्स मीन्स ऐसे यूट्यूबर्स जो एजुकेशनल कंटेंट अपने प्रोग्राम अपने चैनल पर डालते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट सेशन था वो था लर्निंग बियॉन्ड अकेडमिक्स से रिलेटेड पैनल डिस्कशन था, जो अक्षता मैम के द्वारा मॉडरेटेड किया गया था, जिसमें हमारे मेन 6 यूट्यूबर्स जो थे, जो अभी बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, जिनमें थे अंकित नारायण, दीपक सर, एकता मैम, प्रतिभा मैम, राधाकृष्णन सर एंड रॉब सर, इन सब का पैनल डिस्कशन था, जिसमें इन्होंने अपने सारे जो भी जर्नी रही अब तक, और कैसे ये ग्रो किए, इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या थे, और कैसे अदर यूट्यूबर्स अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और जो है स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, वो सारे कुछ डिस्कशंस यहाँ पर हुए थे। नेक्स्ट सेशन जो था उसमें मेन ये वुमेन से रिलेटेड था। इसमें वुमेन जो भी हमारी यूट्यूबर्स थी, 6 वुमेन्स को लिया गया था, निहारिका मैम, पंखुड़ी, रोशनी, रचना, सीरा और तस्कीन मैम जो थी, इन सभी का आपस में डिस्कशन हुआ था। जो करंट जो मुद्दे थे उनसे रिलेटेड इन्होंने अपने पोस्ट अपने जो विचार थे वो वहाँ दिए थे। इस सेशन को मोनिका मैम ने चेयर किया था। यूट्यूब के हेड डॉन एडरसन, हेड ऑफ फैमिली एंड लर्निंग पार्टनरशिप यूट्यूब APAC जो थे वो वहाँ आए थे, और उनके साथ में उनकी दो कलीग्स भी थी जिन्होंने वहाँ पर अपने व्यूज़ दिए थे और इस सेशन को आगे बढ़ाया था। यहाँ पर हम डिफरेंट यूट्यूबर से मिले जो कि अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल हैं और डिफरेंट लर्निंग कंटेंट अपने चैनल्स पर अपलोड करते हैं। नेक्स्ट सेशन था लेवल अप योर कंटेंट। उसमें बद्रेश सर ने अपने लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम अपने कंटेंट को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस और जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो उन्होंने बताई थी। देन लंच टाइम था, जिसमें काफ़ी अच्छा लंच प्रोवाइड किया गया, एंड उसी टाइम पर हम लोग को नेटवर्किंग के लिए भी बताया गया कि हम कैसे और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। आफ्टर लंच अप्रोक्स 9 एड्यूट्यूबर्स ने एड्यूटॉक दिया, जिसमें उन्होंने अपना स्टार्टिंग से लेके जिस लेवल पर अभी वो हैं वहाँ तक का अपना पूरा सफ़र बताया, और साथ में उन्होंने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की हैं, किन किन चीज़ों के उनके एक्सपीरियंस अच्छे और बुरे उन्होंने बताए। एट लास्ट हम सभी एड्यूट्यूबर्स ने एंड जो यूट्यूब की टीम थी एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, इन सभी ने एक ग्रुप फ़ोटो लिया। एंड अगला जो ग्रुप फोटो था वो केवल एडिट्यूबर्स के लिए था जिनको इनवाइट किया गया था। आई एम रियली ग्लैड कि मुझे इन सभी एडिट्यूबर्स के साथ में एक प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिला। एंड देन हम उस पूरे प्रोग्राम को अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके वहाँ से अपने घर लौट आए। जब हमने फर्स्ट टाइम ये पोस्ट किया था कि हमने एक EduCon अटेंड किया है और ग्रुप फोटो था, तो हमारे सब्सक्राइबर्स का कहना था कि मैम इसमें से कहाँ है। तो देखिए, दिस इज़ मी शालिनी वर्मा, और हमें वहाँ डिफरेंट लोकेशंस दी गई थी, जिसमें से एक लोकेशन ये है जहाँ पिक हमने क्लिक किया था, नेक्स्ट लोकेशन ये था, एंड देन एक वॉल था जिसपे हमें अपने इंस्पिरेशन कि क्या इंस्पायर किया हमें चैनल रन करने के लिए वो लिखना था। तो हमने वहाँ लिखा, जो ये नोट आपको दिखाई दे रहा है, कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और वो कुछ सीखना चाहते हैं और रिसोर्सेज की कमी के वजह से वो सीख नहीं पा रहे हैं,
तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब की हेल्प से अपनी एजुकेशन या जो भी मैंने अब तक सीखा है वो हम बता सकते हैं। तो इस ये चीज़ मुझे इंस्पायर की थी अपना चैनल रन करने के लिए। एक स्पेस था जहाँ पर हमें पीरियोडिक टेबल के कुछ वर्ड्स थे उनकी हेल्प से अपना कोई एलिमेंट बताना था जो हमारे चैनल को मोस्ट डिस्क्राइब करता है। वहाँ पर मैंने रिसर्च लिया था क्योंकि मेरा जो मेन है कॉन्सेप्ट वो है एजुकेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, तो इसलिए मैंने वहाँ अपना जो मेरा एलिमेंट है वो रिसर्च लिखा। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स के साथ में हमने सेल्फी ली, जिसमें कि मेन जो सबसे मुझे अच्छा लगा वो था रॉब सर के साथ में मैंने पिक क्लिक करवाया। यूट्यूब की टीम की तरफ से हमें वहाँ कुछ गिफ्ट्स प्रोवाइड किए गए थे, कुछ एक किट दी थी जिसको अब हम बताना चाहेंगे कि वहाँ से क्या क्या मिला था। जिसमें कि मेनली जो था एक बैग था जिसमें सारा चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें हमें कुछ स्टिकर्स थे, एक पूरा एजेंडा था कि आज का प्रोग्राम क्या होगा, चॉकलेट बॉक्स मिला था जो हैप्पी टीचर्स डे से रिलेटेड था, जिस पे लिखा हुआ था क्योंकि उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही टीचर्स डे आने वाला था। फॉर राइटिंग पेंसिल मिली थी। मेन चीज़ जो हमें वहाँ से मिली वो था EduCon का आइडेंटिटी कार्ड जिसपे हमारे नाम के साथ में मेटा एजुकेशन लिखा हुआ था, हमारे चैनल का नाम, एक बैंड मिला था जो कि हमें कैरी करके रखना था होल डे, एक सर्टिफिकेट मिला था सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, एंड देन एक डायरी मिली थी फॉर अभी कुछ भी नोट करना है हमें वहाँ पर, और उसमें पेन ड्राइव लगी हुई थी जो कि यूट्यूब की तरफ से ही हमें मिला है। अब इसमें जो मेन चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी आइडेंटिटी कार्ड जिसमें कि मेरा नाम मेरे चैनल के नाम के साथ में था, कुछ अच्छा सा फील हुआ फर्स्ट टाइम ऐसे देखकर, एंड सेकंड थिंग सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जिसमें हमें यूट्यूब की तरफ से पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिला है जो कि काफ़ी हमारे लिए वैल्यूएबल है।